हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं फन फेयर लगा हुआ है, सावन चल रहा है, तो सावन का मेला जगह जगह पर बनारस में लगा हुआ है। उनमें से ये एक है, दुर्गा कुंड पर मंदिर के जस्ट बगल में ये मेला लगा हुआ है, जहाँ पर एक से एक राइड्स आई हुई हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आई हुई हैं जो कि पहली बार बनारस में आई हैं, देखने को मिल रही हैं और लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक और देखिए बनारस में जो मेले आए हुए हैं उसमें कई नए तरह के झूले भी आए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो सिर्फ हम लोग इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पर देखते थे। तो वीडियो को एंजॉय करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप्स भी मिल जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा सस्ता दाम था यहाँ पर जो भी चीज़ें थी, चाहे वो ज्वेलरी हो और प्लास्टिक आइटम्स हो या हाउस होल्ड आइटम्स हो, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपीज़, 70 रुपीज़, बच्चों के टॉयज़ वगैरह सब कुछ आपको 100 रुपीज़ के अंदर में मिल रहे थे। और भीड़ दे सकते हैं, संडे का दिन था, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी और यहाँ पे एक दो चीज़ें जो थी उसमें तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी। देख सकते हैं हर शॉप पर आपको कस्टमर देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जो मैं बात कर रही थी कि कुछ नई चीज़ें आई हैं वो ये है, जिनमें कि आप देख सकते हैं हम लोग इंस्टाग्राम रील्स पे ऐसी चीज़ें देखते थे, 360 डिग्री रोटेट सेल्फी बूथ था जहाँ पर लोग अपने लिए रील्स बनवा रहे थे, हम लोगों ने भी रील्स बनवाई, देख सकते हैं रूहान की रील्स बहुत ही आई हुई थी। काफ़ी लोग यहाँ पर इसको ट्राई कर रहे थे, न्यू चीज़ थी जो बनारस में पहली बार आई थी, तो देखने में भी अच्छा लग रहा था और नई चीज़ें ट्राई भी करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, एक यहाँ पर ये चीज़ नहीं थी, स्मोक बिस्किट को आपको दे रहे थे और उसको मुंह में रखते ही धुआं निकल रहा था, ये भी बहुत ही न्यू चीज़ थी, तो हम लोगों ने भी इसको ट्राई किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था हम लोगों को।